एज लीडर्स दे फॉल इन फोर कैटेगरीज. दे पीपल दे आर सेम कैटेगरी पीपल, लीडर्स हैं, लेकिन दे बिहेव इन फोर डिफरेंट काइंड्स. And I want you to relate it to your life as I go on speaking. The first way by which a leader will behave is a behavior of an ordinary guy. Iska ye leader hai. Leader can be, you know, we say that he's a leader in the office. Maybe he's the boss, he's a manager, he's a owner of the company, he's a CMD, he's a chairman, whosoever. Ye leader hai, lekin iski harkatein aam hai. Iske actions aam hai. Iski baatein aam hai. Iska soch aam hai. He is not bothered about anything else except some little petty things in life. अगर ये आदमी बॉस है और इसके नीचे चार पांच लोग काम कर रहे हैं और ये आदमी आम है, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? दिस गाय इज ऑर्डिनरी गाय. मतलब ऑफिस में एंट्री मारता है तो ऑफिस में किसी को असर नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है आइटम अंदर आया. ये अपने केबिन में बैठ गया, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा इसको, किसी को पड़ी नहीं है तू आ जा हमें क्या करना है. हाँ सैलरी के समय आएंगे तेरे पास. ये आम आम मालिक है. जब आम मालिक के नीचे लोग काम करते हैं तो देयर कम्स अ टाइम व्हेन पीपल बिकम इनडिफरेंट. उनको पड़ी नहीं है ये आदमी क्या बोल रहा है. इसके नीचे बगावत होती है, पब्लिक गुट बनाती है, अलग अलग गुट पे लड़ाई दंगा होता है. ये कंट्रोल नहीं कर पाता टीम को बिकॉज ये आम बॉस है, ऑर्डिनरी बॉस. इससे एक हायर लेवल का आदमी होता है जिसको बोलते हैं मैनेजर बॉस. ये वो बॉस होता है जिसको काम कराने की आदत होती है, ये काम करवा के ले लेता है, ये वर्तमान में होता है. ही इज द गाय हु गेट्स द जॉब डन. कितना प्रोडक्शन लेना ही नोज, कैसे माल मंगवाना ही नोज, कितना काम किससे करवाना ही नोज. ही इज अ टास्क मास्टर, ही गेट्स अ जॉब डन. इसके नीचे जब लोग काम करते हैं दे फील एग्जॉस्टेड. जब काम करते हैं लोग थक जाते हैं. जब नीचे लोग काम करते हैं तो काम तभी करते हैं जब ये होता है, जब ये नहीं होता काम नहीं होता. और ये आके बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है पब्लिक को कि मेरे बिना ऑफिस में एक पत्ता भी नहीं हिलता. बड़े गर्व से बोलते. इसको ये समझ नहीं आ रहा कि फिर ये ऑफिस के बाहर निकल भी नहीं सकता. इसका रोना रहेगा फिर लाइफ लॉन्ग कि मेरे बिना काम ही नहीं करते. व्हेन अ मैनेजर इज लीडिंग द टीम पीपल विल जस्ट परफॉर्म. देन देयर इज समबडी कॉल्ड अ लीडर. लीडर A leader boss, जब एक leader boss काम करता है, people are excited, people are inspired, because he talks about the future, he speaks about the future, he shares about the future, he sets the direction, he sets the vision, he is the one who inspires people to take up change, परिवर्तन की बातें करता है, and when people work under a leader, they follow him, they follow. कहते हैं सर क्या काम करना है बोलो, we'll follow you. एक और ऊपर का आदमी होता है, एंड दैट्स अ हाईएस्ट लेवल, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, कॉल्ड अ रोल मॉडल लीडर. अ रोल मॉडल लीडर इज वन वेयर पीपल लुक अप टू हिम एंड दे से दिस इज द गाय वी वुड लाइक टू बिकम. ऐसा हमें बनने का है. एंड व्हेन देयर इज अ रोल मॉडल लीडर पीपल सरेंडर. पीपल डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स बट सरेंडर. आई एम जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस सो यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर इन योर रोल ऑफ लीडरशिप. Are you an ordinary leader where people under you don't perform and they're not even bothered that they're not performing? Unko padhi nahi hai ki wo log kaam nahi kar rahe. Are you that kind of a leader? Are you a kind of leader where you are there, work happens? If you're not there, work doesn't happen. Are you a leader in your absence? Team is on Facebook, WhatsApp, emails, talking on the phone. If you are that leader, then you are a manager leader. Aap aaye, kaam chalu. You are more of a policeman than glorified watchman. The third one is a leader leader. If you are the one who's a leader, you come to the office and team kehti hai, yaar kuch to hota hai yaar jab aap aate ho office mein. Is halchal se ho jati hai. Aapko dekh ke lagta hai, kaam kar dete hain aaj. There's some air of inspiration. आपके बारे में सोच के लगता है यार बहुत कर करने की इच्छा होती है. ऑर्डिनरी लीडर कह रहा है आपके बारे में सोच के काम करने की इच्छा मर जाती है सर. बट अ लीडर लीडर इज देयर वेयर पीपल फॉलो. एंड रोल मॉडल लीडर इज वन वेयर यू डोंट हैव टू से थिंग्स. पीपल सरेंडर, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग ऑल्सो. सरेंडरिंग हैपेंस. व्हेन गांधी जी वॉज देयर एंड ही टोल्ड दोज पीपल
आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. कभी कभी हम सुन के ना उसको अनसुना कर देते हैं, हमें उसको फील नहीं आता है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल गोकुल, सिंस तू सामने बैठा हुआ है, कुछ करूंगा नहीं, सुन ले. गोकुल इज देयर एंड गोकुल अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट है इसका, कोई भी नाम बता, प्रशांत. तो इसके नीचे जो काम करता है लड़का प्रशांत, उसको बोलता है देख प्रशांत थोड़ा लफड़ा हो गया है, कुछ लोग आएंगे मेरे बारे में पूछने के लिए, उनको बोलना मैं नहीं हूं, और दो तीन डायलॉग बोलेंगे शायद मेरे खानदान को लेके, और शायद तेरे खानदान को ले भी बात कर सकती, तो जरा सुन लेना. प्रशांत बोलता है मैं क्यों सुनूं? I'm just saying to you, you are making one person just listen to somebody, something which he should listen from somebody. वो सुनने को तैयार नहीं. And Gandhi ji said, hello, stand there. लाठी मारेंगे तो खड़े रहना, जान चले जाएगी तो खड़े रहना. I am talking about this kind of leadership where people don't question, they surrender. कहते हैं भाई आपने बोला खड़े तो खड़े ही हैं, अभी उसको जो करना करेगा. क्वेश्चन इज, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी सर ऐसे कैसे होता है कि कुछ लोगों के लोग जान देने को तैयार होते हैं, मेरी टीम तो जान लेने को तैयार बैठी है सर. तो दिस इज वेयर रोल मॉडल लीडरशिप कम्स इन टू प्ले. वी गॉट टू मूव ऑन. एंड व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर्स, व्हेन वी स्टार्टेड बीइंग अ लीडर, हम लोग ऑर्डिनरी ही थे. द मूवमेंट हैज टू हैपन फ्रॉम ऑर्डिनरी से मैनेजर, मैनेजर से लीडर, एंड वी गॉट टू मूव ऑन टू बिकमिंग अ रोल मॉडल लीडर. अगर बनना ही है तो सबसे बढ़िया बनेंगे यार. And that's what is called secunders. Let's become powerful guys. So I have some attributes which I have seen, which I have studied about, whether it be Narayan Murthy, whether it be Azim Premji, whether it be Bill Gates, whether it be Steve Jobs, whether it be Lakshmi Mittal. I have studied the life histories of these people. And I have also studied about ye log kya bolte hain leadership ke bare mein. ये कुछ पॉइंट्स, और मैंने भी जो जिंदगी में जो पॉइंट्स जिए हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, बट आई ट्वीक इट अ बिट. मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को क्वेश्चंस के रूप में आपको पेश किया. आई हैव चेंज्ड दीज स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस. नाउ व्हेन आई से क्वेश्चंस, तो आप यू विल बी फोर्स्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. इफ आई डोंट मेक क्वेश्चंस आई विल से ये लीडर ऐसा करता है, आप बोलोगे अच्छा बात है, करता ही होगा, करना भी चाहिए, लीडर है. आई एम सेइंग ऐसा पैसिव सुनोगे और प्रोग्राम खत्म होगा तो कैसे रहा, बहुत बढ़िया रहा, क्या सीखा, लीडर लोग कैसे होते हैं वो समझ में आया, मैं क्या करूंगा वो कभी समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए मैंने उसको ट्वीक किया और आपके रूप के, आपके हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट में पेश किया. सो व्हेन आई विल स्पीक दोस क्वेश्चंस, आई वांट यू टू आस्क दोस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. वेरी सिंपल एट्रीब्यूट्स. एंड आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड व्हेन, जब मैंने पढ़ा वो तो मैंने लगा ये सब लोग इन पॉइंट्स में अग्री क्यों कर रहे हैं, इतने सिंपल बातों में अग्री क्यों कर रहे हैं. बट आई रियलाइज they look simple but they have very powerful outcome value. Unka outcome bada zabardast hai. Simple cheeze hain aur shayad simple hai isliye hum nahi karte. Kabhi kabhi yaar aasan cheeze hum appeal nahi karte. Yaad hai college ki baat? Ha Gokul again aasani se usne ha kar diya to tumhe doubt hua, isne ha kar diya, khot hai ladki mein, khot hai. क्योंकि अगर वो 15-20 बार चक्कर ना कटवा दे तब तो कैसे मजा आएगा. तब टॉमी के माफी अपन घूमेंगे नहीं, जीप लंबा नहीं होगा, तब तो कैसे लगेगा कि यार दम है लड़की में. पहली बार भी उसने हां कर दिया, अपन हां के बाद भी उसको ना कर देंगे. इसलिए लड़के बहुत टाइम लगवाती. आसान चीजें अपने को पसंद नहीं है. बोलेगा दवाई खा लो इससे ठीक हो जाओगे, तो मजा नहीं आएगा. एक पैर पर खड़ा रहो एक घंटा, उसके बाद दवाई खाओ. हाँ बाबा ठीक बोल रहे हैं, ये है दवाई बढ़िया वाली. When I say about questions, questions give direction to our mind. The problem is many of us have stopped asking the right kind of questions. A lot of us are asking questions which are trivial in nature. A lot of us actually ask the wrong questions. If you are stagnant in life, if you are not growing the way you should grow,
if you're not making a difference to people around you, if somewhere you feel that there is a repetition of challenges which you're going through, ki kal bhi wohi challenge tha, aaj bhi wohi challenge hai, last week wohi challenge tha, if there's a continuation of challenges happening in life and it's a repetition of challenges, iska matlab ek baat pakki hai, you're not asking the right kind of questions. It is not the answers, it's the questions which make a difference. See, we have intelligence here. To this intelligence, you got to give direction. And the direction happens through questions. For example, you have a train. Let's say that 7 tarikh ko, har 7 tarikh ko, aap thoda duk 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 hota hai aapko. As entrepreneurs, ki haila, salary to gayi aaj. Abhi kal kaun aane wala hai? Ya kal kaun nahi aane wala hai? Agar aisa ho raha hai, where you pay salary on 7th and on 8th or 9th, the moment the check is cashed, you have few items missing from the company. और ऐसा ये लगातार हो रहा है एंड यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड व्हिच इज लॉजिकल क्वेश्चन आता है ये ऐसे लोग कैसे आते हैं यार बोल नहीं सकते क्या कि हमें जाना है सैलरी लेके गायब हो जाते नाउ दिस वन क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड आई एम सेइंग इफ यू आस्क अनदर क्वेश्चन ये हो रहा है व्हाट कैन आई डू टू इंश्योर डजंट हैपन ये भी एक सवाल है नाउ दिस इज हैपनिंग व्हाट शुड आई डू दिस अनदर क्वेश्चन Now this question will give you another direction. The earlier question gave you another direction. The question is which question you're asking. It is the questions which make a difference. Your son doesn't listen to you. Hey, mera beta sunta kyun nahi? One question. Answer can be you are a lousy communicator. Second question. Answer can be aajkal bachche sunte nahi kisi ki. Third, tum ghar mein kitna time deti ho? Another way of questioning is, what should I do to make him listen? And this is another set of question. Now, this will give you another set of answers. Depend karta hai, kaun sa sawal aap pooch rahe ho. Ye customer yaar, kaise ekdam jatil customer aa gaye aaj. Demanding ho gaye. What do I do? Now, how do I make my product more powerful? Jisse customers ki demand hum meet kar paaye. Another question. It's the questions which you answer, if you ask the right questions, It will give you the right direction. तो मैं आपको questions के रूप में बात कर रहा हूं बहुत साल पहले एक इंसान ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा और उसने एक सही सवाल पूछा क्या था ये नीचे क्यों गिर रहा है और बहुत से लोगों ने देखा होगा किसी ने सवाल पूछा होगा दूसरा कब गिरेगा ढूंढो तो शायद आज तक वहीं मिलेगा वो आदमी रुका हुआ उस आंसर के लिए कब गिरेगा और एक ने कहा यह नीचे क्यों गिर रहा है एंड द वर्ल्ड हैज नेवर बीन द सेम अगेन That's the power of a question. So the question is, are we asking the right questions? So main aapko kuch chand sahi sawal dunga leadership ke. First question which you need to ask is, very simple question. Am I an inspiring leader? And I'll give you two sub points to it or a sub point to it. Question is, am I an inspiring leader? I could have said, leaders are inspiring. I've changed that into a question. Am I an inspiring leader? Iska matlab ye hai, do I have a bag full of stories which are inspiring by nature? Ki mere paas kya itni stories ka khazana hai which are inspiring from my life, from the way I've lived, from the way I've done my business, from the way I've taken leadership, from the way I've done sales or whatever I've been into. Kya mere paas itni stories hain aur wo stories bahut badhiya hain? Am I the carrier? Of wonderful, inspiring stories. And if you are, then you are an inspirational leader. Now, by nature, we all have been designed. Hum log jo human beings hain, hume achhi khatarnak stories sunne mein maza aata hai. I'll give you some scripts, and I want you to tell me, ye scripts mein dam hai ki nahi? Script matlab ek story. Story aisi hai ki, Radhi sahab, aap gaye ek customer ke paas aur जैसे आप वहां गए आपने सेल्स कॉल किया उसके पास और उसने कहा राठी जी ये माल चाहिए हमें ये लीजिए चेक और आप आ गए एक स्टोरी ये है आप गए उसने चेक रेडी था दिया गले लगाया आपको कि राठी साहब कहां थे आप आज तक कब से मैं रुका था चेक देने के लिए आप आओ ये लो चेक स्टोरी है कैसी स्टोरी है सुनना चाहोगे ऐसी स्टोरी नहीं एक स्टोरी है जो गोकुल वाली स्टोरी थी तुम गए उसने हां कर दिया और तुम सुना रहे हो अपने दोस्तों को देख मैं गया उसने हां कर दी तो बोले क्या क्या बात है इसमें दे विल टेल यू अनदर स्टोरी
लफड़ा है बॉस, चेक कर। अनदर स्टोरी, सपोज योर टीम हैज बीन गेटिंग ऑफ्स ऑन सैटरडेज, कि महीने में एक सैटरडे ऑफ मिलता है उनको सपोज, एंड सडनली यू सेड यार मार्केट टाइट है, काम बहुत करने का, यू सेड अभी ऑफ बंद, नो मोर सैटरडे ऑफ्स, और आपने टीम को बोला कि अभी इस महीने से सैटरडे बंद। टीम ने कहा सर हम तो सोचे संडे को भी काम करेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल तैयार बैठे हम लोग। अच्छी स्टोरी है, मजा नहीं है। स्टोरी कब बनती है, जब राठी साहब ने फोन किया कस्टमर को, सर आई वुड लाइक टू मीट यू, बोलते हाँ कल आ जाओ 10 बजे। राठी साहब कहते ठीक है सर पहुंचता हूं। ये पहुंचाते हैं पर 10 बजे, देखते हैं वहां आइटम गायब, कंपनी है ही नहीं उधर, कस्टमर ही नहीं है। ये वेट करते हैं 10 बजे, अब आएगा। टीम से पूछते हैं, टीम से सर वो तो आज आने वाले नहीं है, मुझे क्यों बुलाया। ये वहां से फोन करते हैं उसको, वो फोन नहीं उठाता, काट देते। खून खौलता है राठी साहब का, ऐसे कैसे कस्टमर है, बुलाया और फोन वहां मिलता नहीं, फोन काट दिया। ये फिर भी शांति से, शांति वाला एक गल्प लेते हैं और उसको SMS करते हैं, आई वॉज हियर एज पर योर अपॉइंटमेंट, बट आई एम श्योर यू आर स्टक इन सम अर्जेंट मीटिंग, आई विल गिव यू अ कॉल इन द आफ्टरनून एंड अगेन फिक्स एन अपॉइंटमेंट एज पर योर कन्वीनियंट टाइमिंग, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट फॉर द वर्क विच यू आर इनटू। ऐसा करके ये बात, फिर 2 बजे फोन करते हैं उसको, वो फिर फोन काट देते, फिर ये मैसेज करते, आई एम श्योर सर द वर्क इज स्टिल कंटिन्यूइंग, नो वरी सर, बिजनेस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर यू आर मेकिंग अ ग्रेट बिजनेस डील टुडे, आई विल गिव यू अ कॉल इन द इवनिंग। ये फिर शाम को करते हैं, फिर शाम को फोन उठाते, ऐसा करके 3-4 दिन, 5-6 दिन, फिर ये एक दिन उसके ऑफिस में जाके बैठ जाते, कहते हैं सुबह से शाम मैं ही बैठूंगा। और वो अपने ऑफिस से कब तक दूर रहेगा, आता है ये सीधे मिलते हैं, सर I just thought I'll meet you today. And he doesn't speak about all those days when he had been waiting for him and calling on him. Ye aisi baat karte hain jaise main to pehli baar mil raha hu aapko. Aur baat karte hain, wo bhi kehta hai yaar genuine aadmi hai. And after a lot of persuasion, he gives the account to him. Is this a story worth sharing? Yes. Now he comes to his sales team. Inke yahan naya sales manager aata hai, bolta hai sir, maine unko phone kiya, wo mile nahi sir. Ye kaisa hota hai sir? अपॉइंटमेंट देखा भी फोन नहीं मिलता है। तो कहते हैं सुन बैठ, एक समय था आज से 5 साल पहले जब मैं भी फील्ड पे जाता था, एंड देन ही शेयर्स हिज एंटायर स्टोरी ऑफ हाउ इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम बट स्टिल ही वेंट ऑन। नाउ दैट्स अ स्टोरी, इज इट मेकिंग सेंस। तो गोकुल जब गया उसके पास, गोकुल ने कहा हेलो हाउ आर यू, उसने कहा हु आर यू, ऐसा कचरे की माफी गोकुल को निकाल दिया। ये फिर जाता है शाम को, फिर प्रपोजल मारता है, फिर वो हटा देती है, ऐसा कर करके 6 महीना, 5-6 महीना इधर भाग उधर भाग। उसके बाद फाइनली शी सेज यस, लेकिन घर पे प्रॉब्लम थी, घर वालों को पटाया, पटाने में साल लग गया। हर दिन शाम को खिड़की के पत्थर मारता था, बाहर आओ जाने मन, बाहर आओ, ऐसा स्टोरी, चुपके चुपके जाते थे, घूम के आते थे, लोनावला खंडाला सब जगह घूम के आते थे। बड़ा मुश्किल दिन थे वो, सबको पटाना भी और घूमना भी, दोनों साथ करना था काम। ऐसा करके 1.5 साल बाद फाइनली घर वाले मान जाते हैं, गोकुल तू घर जमाई बन सकता है। नाउ इट्स अ स्टोरी वर्थ शेयरिंग विद समबडी एल्स। जो लड़की पटाने में नाकामयाब हो गया, उसको ये बताएगा देख एक समय था जब मैं भी ऐसा भागता था, लेकिन इसकी लाइफ में ऐसा कुछ कांड ही नहीं हुआ तो क्या बताएगा, ये पिक्चर की स्टोरी बताएगा किसी और की। So if your team is not agreeing कि सर ऐसे कैसे, सर हमारा हक है सैटरडे छुट्टी का, जबकि हक 2 महीने पहले मिला था, उनको लगता है लाइफ लॉन्ग हक है। A leader will come and communicate and say, देख चैलेंजेस हो रहे हैं, धंधा कम हो रहा है, लेट्स मूव ऑन यार, छुट्टी तो अपनी जिंदगी भर लेते रहेंगे, इस साल का टारगेट का क्या, इस साल के तुम्हारे इंसेंटिव्स का क्या, इस साल मारा मारी करेंगे उसका क्या, नया कस्टमर लाएंगे उसका क्या, कम ऑन यार, वी आर सिकंदर्स, ऑल ऑफ अस, लेट्स गो ऑल आउट। ऐसा करके 2-3 दिन लगातार उनको मोटिवेट करके, टॉप टीम को मोटिवेट करके, उनकी हार निकाल के, उनकी नीचे वाली टीम की हार निकाल के, फिर वो टीम बोलती है सर हमने डिसाइड कर लिया है, वी विल वर्क ऑन ऑल 6 डेज एंड दिस ईयर वी विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स लाइक नेवर बिफोर। ऐसा टीम बोलती है, इज इट अ ग्रेट स्टोरी टू शेयर?
you got to have a lot of stories. You can clap if you want to. क्योंकि अधूरी चीज अच्छी नहीं होती लाइफ में, पूरा ही करा करो. सोच रहे थे करूं, नहीं कर रहा को, अच्छा ठीक है. तो बीच वाला कार्यक्रम कभी नहीं करने के. All great leaders have had inspirational stories. And inspirational stories means stories which come from their life. From their life. How many stories you are creating? And life is always going to give an opportunity. देखो जिंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप भागे भागे भागे, कोई रुकावट नहीं. लाइफ इज 110 meters hurdle. हर 10 मिनट 10 मीटर पे हर्डल आएगा, हर कुछ देर में ही हर्डल आएगा. आपको लांगना है उसको, आपको उसके पार जाना है. इट विल नॉट बी अ केक वॉक. तो लाइफ आपको स्टोरी बनाने का मौका देगी और दे रही है. कुछ लोग वो स्टोरी बना नहीं पा रहे, कुछ लोग स्टोरी को समझ नहीं पा रहे कि ये स्टोरी अगर मैंने जी ली, बना ली. इट्स अ डिफिकल्ट टाइम व्हेन यू हैव अ चाइल्ड एट होम हु डजंट लिसन टू यू. डिफिकल्ट है मां बाप के लिए, बट इट्स अ टाइम टू मेक अ स्टोरी. हर मुश्किल को, हर चैलेंज को जो आपके सामने आएगा, जो आ ही रहा है, उस चैलेंज को एक स्टोरी बनाने का मौका देखो. टर्न इट टू एन अपॉर्चुनिटी. मार्केट इज डाउन, अग्रीड. इससे बढ़िया मौका क्या है एक स्टोरी बनाने का, कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, यू विल हैव अ स्टोरी टू टेल टू योर टीम. देख जब मार्केट डाउन था हमने ये किया. एंड देन टीम इज इंस्पायर्ड. It is not inspired by what you speak about other people. It is inspired by what you speak from your life. And as leaders, as Sikandars, all of you have to be amazing storytellers.